जैसा कि आप जानते हैं कि 14 तारीख को एक अम्बेसडर होटल है, इसके कमरे में एक महिला का शव मिला था और पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि इसकी हत्या की गई है। ये एक बड़ा सनसनीखेज प्रकरण था और पूरी तरह से ब्लाइंड था। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि जिस व्यक्ति ने यह घटना को अंजाम दिया था उसने एक फर्जी आईडी के थ्रू होटल में अपनी एंट्री ली थी और सीसीटीवी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि इसने अपने मुंह पे जैसे आजकल मास्क लगा लेते हैं कोरोना के कारण, वो इसने लगा रखा था। लेकिन पुलिस ने पूरी जितनी भी उनको सबूत मिले थे, जो छोटा से छोटा सुराग मिला था, जो कि एक पैंट थी जो मिली थी, तो इसके माध्यम से उन्होंने इसको पूरा ट्रेस किया। ये पता लगाया कि पैंट कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, उसके आसपास ग्राउंड वर्क करते हुए ये पता लगाया कि ये व्यक्ति आसपास कहाँ रुका हुआ था, फिर वहां से किस बस में गया, फिर कई बसों के ड्राइवरों से बात करके, कंडक्टरों से बात करके, इसका पूरा मूवमेंट चेक करते हुए और लगातार इसका पीछा करते हुए अंततः ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। घटना के बारे में इसने ये बताया कि जिस महिला के साथ ये संबंध बनाने के लिए गया था होटल के कमरे में, वो थोड़ा स्मैक की आदी थी और स्मैक न मिलने के कारण वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो रही थी और उसको काबू में करने के लिए इसने बल प्रयोग किया जिसमें कि उसकी हत्या हो गई। ये एक शातिर अपराधी है, इसके खिलाफ पूर्व में भी कई चोरी के और धोखाधड़ी के, ठगी के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। ये जेल की सजा भी काट चुका है, 8 महीने सुद्धमवाला जेल में भी रहा था, लेकिन अंततः ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया है।